बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑडियो टैग के बारे में सीखा था। आज के लेक्चर में हम वीडियो टैग के बारे में सीखेंगे कि वीडियो टैग का यूज़ कैसे करते हैं, इसका मकसद क्या है, पर्पस क्या है, और इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं। मैं फैसल रहमान एंड वेलकम टू एयर सॉल्यूशन। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी, आज के लेक्चर में हम वीडियो टैग को कंप्लीट सीखेंगे। इसके दो तीन एट्रीब्यूट हैं, का क्या यूज है, कैसे यूज करते हैं आज के वीडियो में सीखेंगे। जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूँ, इसकी जो बेसिक कोडिंग है वो सेम ऑडियो टैग की तरह ही है। वीडियो स्टार्ट कर लेंगे और नीचे इसको क्लोज कर लेंगे। उसको टैग क्लोज कर लेंगे, स्पेस दे देता हूँ। अब यहाँ से मैं इसको इसमें लिंक लगाने के लिए सोर्स टैग यूज करूंगा। एसआर सेम कोडिंग है, यहाँ मैं लिंक लगा दूंगा। मैं देखता हूँ कि इसमें जो वीडियो का लिंक लगाना चाहिए, देखिए मैंने वीडियो का नाम रखा हुआ एस टी एम डबल एल, तो वहाँ सेम एस टी एम डबल एल डॉट। अब ये देखना कि ये फाइल जो है इसमें प्रॉपर्टी से देखता हूँ कौन सी फाइल है। ये डियर स्टूडेंट, ये MP4 फाइल है। मैं इसको यहाँ डॉट MP4 लिख लूंगा। अब इसकी टाइप लिखेंगे कि कौन से टाइप की फाइल है, टाइप लिखेंगे, यहाँ वीडियो लिखेंगे तो ये वीडियो टाइप है, / MP4। ठीक है, अब इसको मैं कंट्रोल एस करूंगा। अब इसको मैं रन करके देखता हूँ, यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ दोस्तों, ये देखें वीडियो आ गई है, लेकिन ये वीडियो की विड्थ जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये विड्थ जो है ना बिल्कुल प्रोफेशनल है, जैसे यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखते हैं वो नजर आती है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसकी विड्थ जो है वो सेट करूंगा। उसके लिए मैं वीडियो टैग में जाऊंगा, इधर मैं लिख लूंगा इसकी विड्थ। ठीक है, विड्थ जो है पिक्सल्स में लिखनी है, 500px कर देता हूँ, पिक्सल्स कर देता हूँ। अब इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, अब इधर आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो दोस्तों ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ ये वीडियो आ गई है। अब दोस्तों इसको कंट्रोल्स, इसको यूज कैसे करना है, कंट्रोल कैसे, कंट्रोल बटन ना है, तो वीडियो टैग में आएंगे, इधर मैं लिखूंगा कंट्रोल्स। ठीक है, ये कंट्रोल्स आ गया। अब कंट्रोल एस करूंगा, अब कंट्रोल आर करूंगा, तो दोस्तों ये देखिए कंट्रोल्स आ गया। अब यहां से मैं वीडियो प्ले भी कर सकता हूँ। ठीक है, प्ले हो गई। सही है, अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर इसका थंबनेल्स आ जाए, तो उसके लिए इसका एक एट्रीब्यूट है पोस्टर, तो वो लगाएंगे। पोस्टर और इसमें हम इस पोस्टर का जो थंबनेल्स है उसका लिंक देंगे। उसके लिए ये मैंने ये लिंक है HTML ऐप डबल के नाम से, इसको मैं लिंक दे दूंगा। अब ये भी देखना तो ये जो लिंक है ये कौन सी फाइल है, तो प्रॉपर्टीज में देख लेते हैं, ये एक JPG फाइल है। ठीक है, जो फाइल होनी है वही आपने इसके अंदर लिंक देना। इधर मैं लिख लेता हूँ STMLL.JPG कौन सी फाइल है। ठीक है, अब इसको सेव करना है, इधर आ जाना है। अब इसको यहाँ से रिफ्रेश करूंगा, तो दोस्तों ये देखें वो
और थंबनेल्स बड़ी इजीली खूबसूरती के साथ। अब जैसे मैं वीडियो को प्ले करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली हट जाएगी, तो ठीक है। दोस्तों इस तरह से आप किसी भी अपनी पोस्ट पर, यूट्यूब चैनल पर या किसी वेबसाइट पर वीडियो को इजीली अपलोड कर सकते हो थ्रू एचटीएमएल वीडियो टैग के थ्रू। तो आज के लिए इतना काफी है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप एचटीएमएल को स्टेप बाय स्टेप सीख सके। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।